तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ केकेआर की क्या स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 होनी चाहिए फॉर द आईपीएल 2024। रिसेंटली मैंने बाकी 9 टीम्स की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 की वीडियोस डाल दी, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर चेकआउट कर लेना। और फिलहाल इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ केकेआर की क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए। अच्छा, जहाँ इस बार के ऑक्शन में केकेआर ने मिचेल स्टार्क को खरीदा था 24.75 करोड़ रुपीज में, जो की आईपीएल की हिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बने। केकेआर ने इन पे इतना ज्यादा भरोसा दिखाया और इतने ज्यादा पैसे भी खर्च किए। और केकेआर के लिए दूसरे मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बने मुजीबुर रहमान, जिन्हें खरीदा उन्होंने 2 करोड़ रुपए में, फिर अटकिनसन को खरीदा 1 करोड़ में और रदरफोर्ड को खरीदा 1.5 करोड़ रुपीस में। तो ये 4 हाइलाइटेड प्लेयर्स थे जो केकेआर ने इस आईपीएल ऑक्शन में खरीदे थे। और अगर हम इनके पूरे स्क्वाड पर नजर डालें तो इनके पास बैटर साथ है जेसन रॉय, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, रघुवंशी और रदरफोर्ड। ऑलराउंडर्स में आते हैं आंद्रे रसल, अनुकूल रॉय, सुनील नारायण, वेंकटेश अय्यर और रमनदीप सिंह। और विकेट कीपर्स में केवल 2 चॉइसेस हैं जो कि है रहमतुल्लाह गुरबाज और केएस भरत। और अगर बॉलर्स की बात करें तो इनके पास है हर्षित राणा, सूर्यांश शर्मा, वैभव अरोड़ा, परुण चक्रवर्ती, चेतन शकारिया, मिचेल स्टार्क, मुजीबुर रहमान, गस अटकिनसन और आखिरी में आते हैं साकिब हुसैन। तो ये फाइनल स्क्वाड हमें देखने को मिलता है केकेआर का फॉर द आईपीएल 2024। और मेरे हिसाब से इनकी क्या स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 होनी चाहिए, चलो देखते हैं। तो ओपनिंग करेंगे रहमतुल्लाह गुरबाज, उनके साथ आएंगे वेंकटेश अय्यर, तीसरे नंबर पर आते कैप्टन श्रेयस अय्यर, चौथे नंबर पर आते नीतीश राणा, पांचवें नंबर पर आंद्रे रसल, फिर आते रिंकू सिंह और सातवें नंबर पर आते हैं रमनदीप सिंह, जो कि भाई बैटिंग डेप्थ प्रोवाइड करेंगे केकेआर को और आंद्रे रसल के साथ मैच को फिनिश करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। फिर नंबर 8 पर आते हैं सुनील नारायण, जो ये भी बैटिंग कर सकते हैं। नंबर 9 पर आते हैं मिचेल स्टार्क, जिन पे सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए केकेआर ने। फिर नंबर 10 पर आते हैं हर्षित राणा और 11वें नंबर पर आते हैं वरुण चक्रवर्ती। तो भाई मेरे हिसाब से तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 होनी चाहिए केकेआर की फॉर द आईपीएल 2024। तो आपके हिसाब से केकेआर की क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में बता दो और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।